टिकटॉक को बंद करना भारत सरकार का एक अच्छा डिसीजन था। कैसे था ये, बढ़िया बताता हूँ। आजकल लोग जब देखो मोबाइल में घुसे रहते हैं, फुर्सत का एक मिनट मिला नहीं कि देखने लग जाते हैं रील। किसी ने सही कहा है, इसका नाम रील नहीं झील रख दो, जो देखता है डूब ही जाता है। जब तक कोई बचाने वाला नहीं आता, मेरा मतलब है टोकने वाला नहीं आता, लोग लगे ही रहते हैं। जापान से लेकर इंडिया तक सबके नागरिकों को ये लत लग चुकी है। सबसे पहले एक मिनट से छोटी वीडियो बनाने की शुरुआत चाइना के टिकटॉक ने ही करी थी, और जब ये चाइना में पॉपुलर हुआ तो इसके माताओं को समझने में देर न लगी कि इसमें कोई जादू है जो लोगों को अपने से जोड़ के रखता है, और एक दिन ये पूरी दुनिया में जरूर फैलेगा। इसके साइड इफेक्ट क्या है ये भी वो लोग जानते थे, पर बाकी दुनिया का नाश और चीन का इससे फायदा हो, ये जुगाड़ भी उन्होंने निकाल लिया। कैसे? चीन की सरकार ने टिकटॉक को बोला कि एक काम करो, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि चीन के लोगों को 99% साइंस टेक्नोलॉजी बिजनेस बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस ज्यादा दिखाओ, और बस 1% एंटरटेनमेंट वाली, और बाकी दुनिया को बस एंटरटेनमेंट वाली वीडियो ज्यादा दिखाओ, ताकि इनके युवा बस इसी जाल में फंस कर रहे हैं और कुछ कर ना पाए, अपने इतिहास को भूल जाएं, कुछ करने का जज्बा उनके अंदर ना बचे, उनका खून पानी बन जाए। इसका जीता जागता उदाहरण ये चैनल है। जब आज ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 500 वीडियो डालने के बाद भी सिर्फ 1,00,000 ही सब्सक्राइबर हैं, और यही अगर किसी हीरोइन की नंगी वीडियो डालता मिलियन सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूज के पार हो जाता। भारत को इस चाल का पता लगा तो उन्होंने इसे बैन कर दिया, पर मार्केट तो बन ही चुका था, तो दूसरी कंपनियां आ गई और ये बीमारी अभी तक जारी है। अगर आप मेरी बात से जरा भी सहमत है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना।